आमतौर पर युवा लड़कियां आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ज्यादा महत्व देती हैं। लेकिन किसी भी शुभ अवसर और शादी विवाह में सोने से ही बने आभूषणों को शुभ माना जाता है और सोने से बनी वस्तुओं को ही प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल शादियों का सीजन तो चल रहा है, लेकिन सोना कारोबारियों की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ है और सोने के दाम बढ़ने की वजह से दुकानों में ग्राहकों की बहुत कम संख्या नजर आ रही है। राजकोट के इस ज्वेलरी शॉप के मालिक मयूर भाई वजू भाई बताते हैं कि सोने की कीमत बढ़ने से बहुत कम संख्या में लोग सोना खरीदने दुकान पर आ रहे हैं। लास्ट 15 डे या एक महीने का जो टोटल ग्राफ देखे तो करीबन $100 जितना गोल्ड में प्राइस हाइक हो गया है। वो करीबन पहले 51,000 22 कैरेट का रेट था, अब आज ये 56,000 22 कैरेट का रेट है। करीबन 7-8% रेट प्लस हो गया है। इसके हिसाब से कस्टमर की जो आवाजगी हो रही है वो बहुत कम हो रही है और कस्टमर जो ले रहा है वो ज्वेलरी बहुत कम वेट वाली ज्वेलरी ले रहा है। पहले जब वेडिंग सीजन होती थी तब कस्टमर बड़े बड़े सेट ऐसी बिक्री होती थी, आजकल वो बिक्री थोड़ी कम हो गई है। और गवर्नमेंट ने जो 1/4 से जो HUID का थोड़ा वो भार हो गया है, इसीलिए हमको हर ज्वेलरी में HUID लगाना पड़ता है, वो भी काम एक बढ़िया बढ़ गया है। इसी हिसाब से थोड़ी दिक्कत हो रही है और मार्केट में भी अभी मार्केट पूरा स्लो है। खेडूत के जो कमौसमी बरसात वाली बात है उसके हिसाब से भी मार्केट में मनी नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। उस खेडूत की जो खरीदारी होती है वो भी कम है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है गोल्ड माइनस नहीं होगा, इसके आजू बाजू तो रहेगा ही। एक बार जब गोल्ड बढ़ता है उसके बाद घटने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा लाया गया सोने को लेकर नियम भी उनके कारोबार पर भारी पड़ रहा है। सोना जो ऐसी चीज है ऑल टाइम हाई रहती है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भाव बढ़ा हुआ है। इनका इंटरनेशनल का भाव है, कोई इंडिया के अंदर एक इंडिया के अंदर बढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है, हर जगह वो भाव बढ़ता ही है। और जब करेंसी के ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाता है या किसी देश में लड़ाई होने का चांस बढ़ जाता है तभी सोने का भाव आपो आप बढ़ जाता है, उसी कारण उसका भाव बढ़ गया है। और अभी जो आप नियम की बात कर रहे हैं तो ये सोना जो इंडिया के अंदर खरीदा जाएगा जो भी कस्टमर लेगा उसके ऊपर HUID यानी कि होलमार्क वालों ने एक नियम बनाया है, HUID नंबर डालने का कंपलसरी है। और वो नंबर डालेंगे तो उसके अंदर किसका बनाया हुआ है, किस लेब के अंदर इसका चेक किया हुआ है और जो उसका प्योरिटी है वो बरोबर है, वो ऐसा वो हो सकता है। कस्टमर का जो बजट है यानी जो भी चीज़ का भाव बढ़ जाता है तभी लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा भाव नीचे आएंगे तो हम खरीद करेंगे, उसके लिए उसका अभी खरीद करना रुका हुआ है। दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन यानी HUID वाले सोना और सोने के गहने नहीं बिक रहे। उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।